जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। क्या आप ये जानते हैं, शिक्षा का अधिकार कानून के तहत हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है? अगर हाँ, तो क्या आप ये जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार कानून में किन बातों का प्रावधान है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में। भारत के प्रत्येक बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार है। किसी भी बच्चे को दाखिले से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा। किसी भी बच्चे को निकाला नहीं जाएगा। प्रत्येक निजी स्कूल को समाज के गरीब तबके के छात्रों को मुफ्त शिक्षा देनी होगी। इन सब के अलावा सभी सरकारों के लिए बाध्यकारी है कि इन सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की नजदीकी स्कूल में निशुल्क शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक वैधता प्रदान की गई है। बच्चों की शिक्षा के लिए वित्त का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार प्रदान करती है। 2004-2005 में शिक्षा पर होने वाले 12.5% सरकारी खर्च को बढ़ाकर 2012-2013 में 16.5% कर दिया गया है। संपर्क सरकार की मदद से पूरे भारत में नए स्कूल और सुविधाएं स्थापित की गई हैं। 30,888 प्राथमिक विद्या भवन, 10,644 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन, 6,88,385 अतिरिक्त कक्षाएं, 5,18,700 शौचालय सुविधाएं, 7,475 शिक्षकों के पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है। बुनियादी शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चों को बोर्ड परीक्षा पास नहीं करनी होगी। सभी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूलों एवं निजी स्कूलों में गरीब तबकों के 25% बच्चों को भर्ती किया जाएगा। गरीब परिवारों के लाखों बच्चे निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करेंगे, यह पहले संभव नहीं था। बच्चों की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना पर पाबंदी, अक्षम बच्चों के लिए विशेष कवर, शिक्षकों को मार्गदर्शन, शिक्षक नियमित रूप से स्कूल जाएंगे, पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करेंगे और नियमित अभिभावक शिक्षक बैठकें करेंगे। शिक्षकों के प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर रोक, स्थानीय अधिकारियों, माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों को मिलाकर स्कूल प्रबंधन समितियों की स्थापना, शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना। 6 से 14 की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2010 को केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षा का अधिकार कानून पर अपनी मोहर लगाते हुए पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया। इस अधिनियम के पारित होने से देश के हर बच्चे को शिक्षा पाने का संवैधानिक अधिकार मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कानून निजी स्कूलों पर भी लागू हुआ। शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके राज्य में बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो सके। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्कूलों में अन्य अनिवार्य सुविधाएं जैसे पेयजल की सुविधा, खेलकूद की सामग्री, खेल का मैदान भी दिया जाए। तो शिक्षा का अधिकार कानून के बारे में आज हमने आपको दी विशेष जानकारी। एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से अन्य विषयों पर अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय भीम जय मूल निवासी।